हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के फेसबुक प्राइवेसी सेटिंग ट्यूटोरियल्स में हम सीखेंगे कि फेसबुक में एक ऐड फ्रेंड का बटन होता है यहाँ पर आपकी टाइमलाइन में, इसको कैसे हाइड और अनहाइड करना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर इसको हाइड और अनहाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए अगर आपको बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है फेसबुक में जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये अपना जो ये ऐड फ्रेंड का बटन है इसको आप हाइड कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी अननोन जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको कैसे हाइड करना है या अनहाइड करना है, आपके उसमें ये हाइड हो चुका है और आपने इसको कैसे अनहाइड करना है, तो फिर आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख लीजिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। या फिर यहाँ नीचे सब्सक्राइब बटन है रेड कलर का, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल डालते हैं, जो कि आपके बहुत काम की चीज है। तो आप इसको बिना समय गवाए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं फेसबुक सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे ए टू जेड ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ, ताकि आप जब भी फेसबुक यूज करें तो बिल्कुल अपना सिक्योर होकर फेसबुक यूज करें। तो चलिए हम इसमें चलते हैं। ये यहाँ पर आपको नीचे का आइकन दिख रहा है, आपने क्या करना है इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करके आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, आपने क्या करना है यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा फेसबुक का डैशबोर्ड खुल जाता है, जहाँ पर तो आप अपनी पूरी पूरी सेटिंग मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए facebook.com सेटिंग्स अगर आप लिखेंगे तो भी ये पेज यहाँ पर खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने प्राइवेसी का एक यहाँ पर बटन बना हुआ है आइकन के साथ, तो यहाँ पर आपने प्राइवेसी में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपनी प्राइवेसी में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए हु कैन कॉन्टैक्ट मी एक सब मेन्यू है इसका। इसमें यहाँ पर ये देखिए एक और ऑप्शन है आपके पास, हु कैन सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। यहाँ पर क्या है, सेलेक्टेड एनीवन है, देखिए यहाँ पर एनीवन सेलेक्टेड है। तो हमने क्या करना है, इसको एनीवन को हटाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि देखिए अगर फ्रेंड्स होता तो फ्रेंड्स को आपको रिक्वेस्ट भेज ही सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड तो वो ऑलरेडी फ्रेंड है। तो एवरीवन और पब्लिक, एवरीवन का मतलब होता है पब्लिक, कोई भी आपको फेसबुक में जो भी फेसबुक में जिसका अकाउंट है वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, इसका मतलब होता है ये। और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड का मतलब है कि आपके जो फ्रेंड हैं उनके जो फ्रेंड हैं वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये आपकी सेटिंग अपने आप सेव हो जाएगी। अभी तक का तो सेव हो जाएगी, अगर इन फ्यूचर अगर फेसबुक इसका इंटरफेस चेंज करता है, तो यहाँ पर कहीं पर सेव बटन होगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी जो सेटिंग है वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स चेंज हुई या नहीं। तो हम यहाँ पर से फिर अपनी प्रोफाइल में आते हैं, टाइमलाइन में आते हैं, फोटो में क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल जो करते हैं व्यू करते हैं, व्यू एज में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर से हम पब्लिक को कैसी हमारी प्रोफाइल दिखेगी वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर से ऐड फ्रेंड का बटन जो है वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो अब आपके पास क्या है ऑप्शन कि आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मैसेज भी आपको हटाना है, तो मैसेज आपका हट नहीं सकता है जब तक कि आप 18 साल से कम के ना हो। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आपका ये मैसेज बटन भी यहाँ से हट जाएगा। तो आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देनी है और 18 से कम कर देनी है, तो आपका ये यहाँ से मैसेज बॉक्स भी हट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने किसी एक फ्रेंड की प्रोफाइल से भी चेक कर लेते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड की प्रोफाइल है यहाँ पर, ये देखिए। इससे मैं क्या करता हूँ, इसकी हाउ टू हिंदी की चेक कर लेते हैं इसकी कि ये ऐड फ्रेंड का हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये इसका फ्रेंड नहीं है और हमने इसको प्रोफाइल खोली हाउ टू हिंदी की। ये देखिए जैसे हाउ टू हिंदी की इसने प्रोफाइल खोली है हमारी टाइमलाइन का, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऐड फ्रेंड का बटन इसको नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको क्या करना है, आपका वो बटन हाइड हो चुका है और आप चाहते हैं कि आप उसको अनहाइड करना है, मतलब कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो आपने क्या करना है, सीधे वहीं जाना है, सीधे प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पर ये हु कैन कॉन्टैक्ट मी में जाना है आपने, और यहाँ से फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की जगह यहाँ पर आपने एवरीवन कर देना है, तो फिर आपका वो बटन विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखिए हम यहाँ पर से इसको फिर से चेक कर लेते हैं, ऐड फ्रेंड का बटन आया नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐड फ्रेंड का बटन आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा या फिर आप इसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, पहले तो यहाँ पर इसमें लाइक बटन में क्लिक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि ये आपको कैसा लगा। और शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए शेयर है, शेयर का ऑप्शन है, आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक में, ट्विटर में। और ये आपको शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आपकी फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, जैसे गर्ल्स हो गई उनको ये बहुत प्रॉब्लम आती है, उनके पास अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट काफ़ी आती है, तो आपको ये उनके साथ शेयर कर देना चाहिए तुरंत ही। नंबर
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए।